एंटर सब मिलेगा zoomtv.in. उनका हिंदी फिल्म में डेब्यू हुआ एट द एज ऑफ 30, तो हिट और फ्लॉप वो बन ही गए ना अ लेट ब्लूमर. हम बात कर रहे हैं ग्रीक गॉड अर्जुन रामपाल की. For someone who looks so good, उनका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड शुरू में था काफी अगले. उनकी हर फिल्म हुई फ्लॉप, कुछ सक्सेस मिला पर वो भी कुछ ब्लिंक एंड यू मिस देम सपोर्टिंग रोल्स में. तो अर्जुन ने सोचा कि क्यों ना खुद ही फिल्म प्रोड्यूस की जाए. वेल, द आइडिया डिडंट वर्क आइदर. उन्हें चाहिए था एक मैजिक टच, द किंग खान टच. और ओम शांति ओम में जब उन्हें कास्ट किया गया एज अ विलन, तो अर्जुन को मिला मच नीडेड ब्रेक थ्रू. बट द बेस्ट वॉज येट टू कम. द फाइनल पुश टू द टॉप केम विद अभिषेक कपूर्स रॉक ऑन. His role as Joe was true magic. Film aur Arjun ko mila ek cult status aur unhone jeeta not only a Filmfare award for the best supporting actor but a national award as well. Wah, ab ise kehte hain na, better late than never. He's worked again hard, you know, to sort of shake off this reputation that models can't act, and he is a supermodel who's actually now you can see the change of his career. It's really like on the rise now. Arjun Rampal and his newfound success is on our red hot countdown at number 7.